मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बस जस्ट मैं नहा करके आई हूँ और सुबह का अपना मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन कर रही हूँ, जिसके लिए मैं अभी यूज कर रही हूँ वाओ स्किन साइंस का लेवेंडर रोज स्किन मिस्ट टोनर। तो मैंने सोचा चलो आज मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। ये बहुत ही अच्छा मिस्ट है, मतलब टोनर है। वो पता ही है जो वाओ के प्रोडक्ट होते हैं वो नो मिनरल ऑयल, सिलिकॉन, नो सिंथेटिक फ्रेग्रेंस, नहीं मतलब इसमें किसी भी तरह की फ्रेग्रेंस नहीं होती है, कोई भी मिनरल ऑयल नहीं होता है। ये बहुत अच्छी बात है वाओ स्किन साइंस के प्रोडक्ट में। तो बस अभी मैं जस्ट इसको यूज करना स्टार्ट किया है मैंने पिछले 8-10 दिनों से। तो मैं इसको अल्टरनेट डेज में लगाती हूँ। एक मैंने स्किन केयर का एक प्रोडक्ट और मंगाया है जो कि वाओ का एलोवेरा जेल है, तो उसको भी मैं यूज कर रही हूँ। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी बहुत जल्दी, लेकिन मैंने आज ये यूज किया तो मैंने सोचा चलो आज आपको मैं इसके बारे में ही बता देती हूँ। ये बहुत अच्छा टोनर है, चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये एक बॉटल है और इसकी जो आउटर पैकेजिंग है वो कार्डबोर्ड की है, ब्लैक ब्राउन कलर की, और ब्राउन कलर की ही बॉटल है, डार्क ब्राउन है। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है वाओ स्किन साइंस लेवेंडर एंड और रोज स्किन मिस्ट टोनर, स्किन केयर विद नेचुरल एक्टिवेट्स, हेल्प्स बैलेंस, हाइड्रेट, प्रोटेक्ट एंड रिफ्रेश स्किन, नो मिनरल ऑयल, सिलिकॉन, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस। तो जो इसकी नेट वॉल्यूम है वो 200 ml है और इसका जो प्राइस है वो 499 है, मतलब कि 500 rupees है। और जो इसकी शेल्फ लाइफ है वो 2020 से लेकर 22 तक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है, इससे आप अपने प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या फेक है। और इसको यूज करने पे आपके कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स भी बनते हैं जो आपके नेक्स्ट परचेज में आपको रिडीम हो जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो वाओ स्किन साइंस के प्रोडक्ट होते हैं वो मेड इन इंडिया हैं और ये हिमालयन बॉर्न हैं, और ये जो प्रोडक्ट हैं ये किसी भी तरह से एनिमल्स के ऊपर यूज नहीं होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये डर्मोटोलॉजिकली टेस्टेड है और ये जो प्रोडक्ट हैं इनमें जो बनाने वाली लेडीज़ें हैं वो 80% लेडीज़ें हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है कि ये वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको इस टोनर से क्या हेल्प मिलती है। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, सॉफ्ट करता है और वेलवेटी टच करता है, मतलब बहुत ही सॉफ्ट स्किन हो जाती है। आपकी स्किन बहुत हाइड्रेटेड रहती है, इससे आपकी स्किन बहुत टोन रहती है, बैलेंस रहती है, ऑयली स्किन जो है वो खत्म होती है और आपके जो अगर ब्रेकआउट्स हैं तो वो भी हट जाते हैं। इस टोनर को यूज़ करने से आपके जो पोर्स हैं वो टाइटन होते हैं और आपके जो ब्लेमिशेज हैं वो भी लाइट होते हैं, और ये आपके फेस पे एक बैरियर की तरह काम करता है जिससे कि सारा दिन जो डर्ट रहती है वो आपकी स्किन के अंदर ना जाए। और वाओ स्किन साइंस का जो प्रोडक्ट है वो अब खुद की एक वाओ स्किन साइंस की ऐप है जहाँ से आप प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। मैं उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो ये देखिए पम्प बॉटल में आता है, इसको कुछ इस तरह से हम स्प्रे करके अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। और जो वाओ स्किन साइंस की ऐप है वहाँ पे आप जाकर के बहुत तरह के प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, जिसमें स्किन केयर, हेयर केयर, बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे कॉम्बो पैक हैं जो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलते हैं। तो आप ज़रूर एक बार मेरी दी हुई लिंक पे चेकआउट कर लीजिएगा। देखा आपने ये कितना अच्छा है, और ऑल स्किन टाइप है तो इसकी भी डर नहीं है कि आप नहीं यूज करते, मतलब आप यूज नहीं कर सकते अगर आपकी ड्राई स्किन है या ऑयली है, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी स्किन टाइप के हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ऐप के थ्रू आप अच्छे अच्छे ऑफर्स का लाभ उठा सकते हैं, तो क्यों ना फिर हम लोग भी अच्छे अच्छे जो ऑफर्स हैं उनका बेनिफिट लें। तो जरूर आप लोग चेकआउट करिएगा। तो मैं आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, और आज मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। एक्चुअली मैंने सुबह सूजी भिगो दी थी, तो इधर पीहू आ गई है, तो मैंने आज सूजी भिगोई है और मैं सोच रही हूँ सूजी के चीले बनाऊँ, या फिर सोच रही हूँ कढ़ाई में एक सूजी का मैं डिश बनाती हूँ, मतलब 1 pot meal आप बोल सकते हैं। तो अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ, और अभी मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया है क्योंकि आज मुझे 2-3 वीडियो शूट करने हैं। तो अभी जल्दी से ब्रेकफास्ट करके और थोड़ा सा लंच की तैयारी करके फिर चलती हूँ, गेटअप चेंज करती हूँ, मेकअप करती हूँ थोड़ा सा, और आज मैंने ये ग्रीन बिंदी लगाई है, जो भी मिल जाती है वो लगा लेती हूँ, पर मैंने कोई मेकअप नहीं किया है, सिर्फ टोनर अपना स्किन केयर किया है। चलिए पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, बनाते हैं, और फिर उसके बाद क्या किराया आपने चाहिए, तो चलिए पहले कर लेते हैं काम।
तो ये सूजी है, मैंने सुबह ही भिगो दिया था। इसमें मैंने दही थोड़ा सा पानी डाल करके मिक्स करके ढक करके रख दिया था। करीब 1 से 1.5 घंटा भीगी रही है सूजी। अब मैं इसमें थोड़ा और पानी डाल रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी मुझे लग रही है। और मैं आज बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट सूजी पिज़्ज़ा। तो ये सिर्फ कढ़ाई में बनेगा और बहुत ही ईजी सिंपल है। देखिए मैंने नमक डाला है और नमक डालने के बाद लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर शिमला मिर्च और प्याज और हरी धनिया को चॉप कर लूँगी। आप चाहें तो आप इसमें और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, जैसे कि कैरेट हो गया और कैबेज हो गई, या जो भी वेजिटेबल आप डालना चाहें इस तरह से महीन चॉप कर लीजिए, चाहे अपने चाकू चॉपर से या फिर आप इस तरह से मेरी तरह चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। बच्चों को इस तरह से सब्जी खिलाने का तरीका बहुत अच्छा है। पीहू ने खा लिया, उसे बिल्कुल पता ही नहीं चला कि इसमें शिमला मिर्च भी है, वरना वो कैप्सिकम खाना पसंद नहीं करती है। तो बस मैंने यहाँ पे कढ़ाई गरम कर ली है, तेल गरम किया है और मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा। पहले मैं मूंगफली को फ्राई कर लूँगी और जब हमारी मूंगफली फ्राई हो जाएगी तब मैं इसमें डालूंगी सरसों दाना, करी पत्ता। तो करी पत्ता मेरे पास फ्रेश नहीं था लेकिन मैंने पहले से कुछ स्टोर करके रखा हुआ है, तो वही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। और पहले सबसे पहले इसको चलिए निकाल लेते हैं अपनी मूंगफली को। मूंगफली मैं निकालूंगी नहीं, हल्का ही फ्राई किया है, ज़्यादा फ्राई नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये इसी में ही पड़ी रहेगी। और जो हमने बैटर बनाया था उसमें मैं थोड़ा सा ईनो डाल दूंगी और ईनो डालने के बाद हमें ज़्यादा देर रुकना नहीं है, बस एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसी बैटर को अपने इसमें डाल देंगे, मतलब कढ़ाई में ऐसे ही सारा पोर कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से पोर करने के बाद हमने जिसपे बैटर बनाया था ना, मैं उसी से ही ढक करके इसको कम से कम धीमी आंच में 7 से 8 मिनट तक एक साइड से पका लूँगी। जब वो एक साइड पक जाएगा तब मैं, अभी देखिएगा मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये इधर मैं तवे में चीला भी बना दे रही हूँ पीहू के लिए। इसी बैटर से मैंने थोड़ा सा बैटर बचा लिया था इनो डालने से पहले। तो जब तक हमारा ये पक रहा है पिज़्ज़ा, तब तक मैं पीहू के लिए तब तक मैं यहाँ पे पीहू के लिए चीले भी बना ले रही हूँ, छोटे छोटे दो बना दूँगी। अगर वो नहीं खाएगी इस तरह से तो उसको चीले बहुत पसंद हैं, इसी बैटर का वो चीले आराम से खा लेगी। तो बस यहाँ पे हमारे चीले जो हैं वो बनना शुरू हो गए हैं। मैं पीहू को देती हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। और इधर देखिए यहाँ पे हमारा कढ़ाई में ये भी पक गया है एक साइड से। चलिए खोल के देख लेते हैं कि किस तरह से पका है। बट ये मुझे थोड़ा सा कच्चा लग रहा था कि शायद मैं इसको पलटती तो ये टूट जाता, तो मैंने इसको 2 से 3 मिनट थोड़ा और पका लिया है, उसके बाद मैं इसको पलटूंगी। और इधर आजकल मेरा बहुत दिन से दम आलू खस्ता खाने का मन हो रहा है, बट वर्मा जी को ऑयली चीज़ थोड़ा कम पसंद है ना, इसलिए मैं नहीं बना रही हूँ। बट मैं जल्दी ही किसी दिन खस्ता दम आलू बनाऊँगी और आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो ये है ना चीला है, ये पक चुका है। मैं पीहू को सॉस से खाने के लिए दे रही हूँ। पीहू ब्रेकफास्ट कर रही हो? हाँ। क्या बनाया आज मम्मा ने? चीला। आपको अच्छा लगता है? अच्छा, चलिए खा के बताइए कैसा है। Thank you. Welcome. I love you. I love you. तो ये देखिए मेरा जो सूजी पिज़्ज़ा है ये एक साइड से बिल्कुल बढ़िया क्रिस्पी पक चुका है। अब मैं दूसरी साइड से भी इसको पका लूँगी। और मैंने दूसरा चीला भी पीहू के लिए डाल दिया है, मैं उसको दे दे रही हूँ खाने के लिए, तो उसको बहुत पसंद आया। इधर मैं चाय भी चढ़ा दे रही हूँ, वर्मा जी के लिए भी आज चाय बना रही हूँ क्योंकि बारिश हो रही है। तो अच्छा लगेगा, कभी कभी ब्रेकफास्ट के साथ चाय पी लेना चाहिए। और हाँ, आज मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। मैं ना यूट्यूब के साथ साथ कुछ और नए काम भी कर रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले के व्लॉग में बताया था कि मैंने मिसेज इंडिया का कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, बट मेरा उसमें कोई भी रैंक पोजीशन नहीं आई थी। तो कोई बात नहीं, मैंने पार्टिसिपेट किया, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात थी। तो उसी तरह मैंने और भी कई कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, तो मैं आज आपके साथ वो शेयर करूँगी। तो यहाँ हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो बन चुका है, चलिए मैं इसको सर्व करती हूँ, प्लेटिंग करती हूँ और जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ।
कैसा लगा आज का ब्रेकफास्ट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं गई हूँ डाइनिंग टेबल पे अपना प्लेट रखने के लिए, वर्मा जी वहाँ पे वेट कर रहे हैं हमारे ब्रेकफास्ट का, तो यहाँ मैं चाय भी छान ले रही हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मैंने किस किस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। जब लॉकडाउन चल रहा था सबसे पहले मैंने मिसेज़ इंडिया का कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, बट उसमें मेरा कोई भी नाम नहीं आया था। फिर मैंने एक पिंक ड्रेस चैलेंज था उसमें पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद फिर मैंने एनवायरमेंट डे हुआ था मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया। सब चीज़ के जो भी सर्टिफिकेट है मैं यहाँ पे स्क्रीन में लगाती जाऊँगी, आप देख लीजिएगा। और यहाँ मैं अब आ गई हूँ अपना जल्दी से लंच बनाने के लिए। हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है और मैंने आपको बताया था ना मुझे आज कुछ वीडियोज़ बनाने हैं, इसीलिए मैं फटाफट यहाँ पर काम कर रही हूँ। तो आज यहाँ मैं बना रही हूँ मिक्स वेज, जिसके लिए फटाफट से गोभी काटूँगी, आलू काटूँगी और जल्दी जल्दी रेसिपी आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ। साथ में आपसे बातें भी करती जा रही हूँ, अपना जो मेरा टॉपिक था उसको मैं आपके साथ बातें करती जा रही हूँ। तो वो मैंने एनवायरमेंट डे में पार्टिसिपेट किया था तो मेरा उसमें भी पोजीशन आई थी। फिर मैंने योगा डे हुआ था जब, तो मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया था, फिर मेरा उसमें भी पोजीशन आई। मैं देखिए आपको सर्टिफिकेट दिखा दे रही हूँ यहाँ स्क्रीन में लगा करके। और अभी हाल ही में हुआ था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का कंपटीशन, तो मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया, देन मेरा उसमें भी फोर्थ नंबर आया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यूट्यूब के साथ साथ मैं और भी कई कामों में लग गई हूँ, तो अच्छा है। और हाँ, ये अब ये कोई गुड न्यूज़ नहीं है, ये कोई सरप्राइज़ नहीं है। कल जो आपने को मैंने बोला था तो आप सोचें कि ये सरप्राइज़ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सरप्राइज़ बहुत बड़ा सा है जो कि मैं आपके साथ आने वाले व्लॉग्स में बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। तो थोड़ा और इंतज़ार कर लीजिए, बहुत जल्दी बताऊंगी। तो मैं यहाँ पे मिक्स वेज सब्जी बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे आज प्याज नहीं डाला है क्योंकि मेरे पास प्याज नहीं है। देखिए मैंने जीरे से छौंका है, उसमें मैंने डाला है टमाटर, हरी मिर्च और कुछ सूखे मसाले जैसे कि हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, गर्म मसाला, ये सब डाल करके हम अपने टमाटर को अच्छे से भून लेंगे, मतलब मसाला भून लेंगे। उसके बाद मैंने साइड में रख दिया था गोभी को बॉयल होने के लिए, क्योंकि बारिश का टाइम है, ये गोभी हमारी बॉयल हो गई है। और मैंने यहाँ पे पहले अच्छे से मैं गोभी को भून लूँगी जिससे कि गोभी का बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और आज वर्मा जी को सब्ज़ी बहुत अच्छी लगी थी, काफ़ी टेस्टी थी वाकई। पीहू को भी अच्छी लगी और मुझे भी अच्छी लगी। तो अपने मियाँ मिट्ठू नहीं बन रही हूँ बट वाकई अच्छी थी, काफ़ी दिनों बाद बनाया ना। तो कभी कभी ऐसा होता है जब बहुत दिनों के बाद कोई चीज़ बनाओ तो वो काफ़ी अच्छी लगती ही है। तो आज मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बहुत टाइम के बाद बनाई है। तो यहाँ पर मैंने मटर भी निकाल ली थी, उसको मैंने इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा शिमला मिर्च है वो डाल दूँगी। बची कुची सब्ज़ियाँ जो हैं वो इस तरह से यूज़ हो जाती हैं, मिक्स वेज का नाम हो जाता है। तो नहीं, मजाक कर रही हूँ, एक्चुअली मैं बना ही रही थी मैं मिक्स वेज। तो बस यहाँ पे मैंने भुनने के लिए रख दिया है और बस चलते हैं रूम में, फटाफट से तैयार होते हैं और वीडियो शूटिंग का काम शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे पीहू से बातें भी करती जा रही हूँ, उसे कुछ कुछ पढ़ा भी रही हूँ। पीहू खेल खेल में पढ़ाई भी करती रहती है, तो इस तरह से बच्चों को बहुत आसानी से सिखाया जा सकता है। बच्चे पढ़ते भी जाते हैं, खेलते भी जाते हैं। मैं तैयार हो गई हूँ, मैंने बहुत लाइट सा मेकअप किया है, कैसा लग रहा है बताइए। मैंने सोचा थोड़ा वीडियो बना रहे हो तो थोड़ा प्रेजेंटेबल होना चाहिए ना। हाँ, तो आज मैं अंदर ही इधर ही बैठ करके बनाऊंगी वीडियोस। मैंने अपना सामान वामान निकाल लिया है, तो पहले एक वीडियो शूट करती हूँ, फिर चेंज कर लूंगी दूसरे वीडियो में, मैं दूसरा गेटअप करूंगी। चलिए
थोड़ा सा बना लेती हूँ। मैंने अपना एक वीडियो शूट कर लिया है और अब मैंने अपना थोड़ा सा टॉप भी चेंज कर लिया है। मैंने सोचा चलो टॉप चेंज कर लेती हूँ, तो जा रही हूँ दूसरे वीडियो को शूट करने के लिए। और मेरी सब्जी बन गई है। मैं गई थी, मैंने सब्जी को चलाया और गैस ऑफ कर दी है। बस अब जब खाएंगे तो उसमें अभी थोड़ी देर बाद धनिया पत्ता डालेंगे, जो कि बहुत अच्छा एरोमा आएगा, दिखाऊंगी मैं अभी आपको। चलिए फटाफट से एक वीडियो और शूट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं वापस से आ गई हूँ अपने गेटअप पे और मैंने अभी 3 से 4 वीडियो शूट कर लिए हैं। 11:15 का टाइम हो रहा है और वो मेरा सामान रखा हुआ है पार्सल, इधर मेरे कपड़े अपड़े रखे हुए हैं। तो बस अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा एडिटिंग करूंगी, 1-2 वीडियो एडिट कर लेती हूँ। एक वीडियो तो अभी एडिट कर ही लेती हूँ, वो रिव्यू वीडियोस हैं जो मैं अभी शूट कर रही हूँ। क्यों शूट कर रही हूँ आगे आपको व्लॉग में पता चल जाएगा किस वजह से मैं सारे वीडियो जल्दी शेड्यूल में लगा रही हूँ, शूट कर रही हूँ, बताऊंगी मैं आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में। तो चलिए बस आज का व्लॉग यहीं फिनिश कर देती हूँ, आगे और भी काम बहुत सारे करने हैं। तो अगर मैं नेक्स्ट व्लॉग शूट करूंगी तो वो मैं दूसरा वीडियो शूट कर लूंगी। अब बस इसको यहीं फिनिश कर देती हूँ, 11:15 बज गया है और बारिश बहुत धीमी धीमी सी हो रही है, अगर आपको दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा होगा, एक्चुअली मैंने ग्लास लगा रखा है, क्योंकि ग्लास खोल दो ना तो आवाज बहुत आती है। आजकल गाड़ियां निकलने लगी हैं वापस से। और चलिए रखती हूँ, मतलब फोन बंद करती हूँ, वरना बातें बहुत बातें हो जाएंगी और व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलिए मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो यहाँ हमारा लंच तैयार है, देखिए हमारी खट्टी मीठी चटनी भी साथ रखी हुई है, जो मैंने पहले के व्लॉग में बना के आपको दिखाया था, इंस्टेंट अचार आम का वही। और आज मेरे एक सब्सक्राइबर हैं दिनेश और सुरभि जी, उनकी एनिवर्सरी है तो उन्होंने मुझे बोला था, तो मैं उनको विश कर देती हूँ, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।